नमस्कार, मैं शिवानी धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गांधीनगर राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में मोरबी की त्रासदी में मारे गए लोग के शोक में अगली तारीख 2 नवम्बर को गुजरात में राजव्यापी शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक और भारत के स्टील मैन कहे जाने वाले जमशेद जे ईरानी का सोमवार रात जमशेदपुर में निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। टाटा स्टील की तरफ से ईरानी के निधन की जानकारी दी गई। ईरानी 4 दशक से अधिक समय तक टाटा स्टील से जुड़े हुए 43 साल की विरासत को पीछे छोड़ते हुए जून 2011 में टाटा स्टील के बोर्ड से रिटायर हुए थे। देश को आज अपनी पहली डिजिटल मुद्रा मिल गई है। आम बजट 2022-23 के वादे और सितंबर 2022 में की गई घोषणा को अमल में लाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक प्रायोगिक तौर पर मंगलवार को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC या डिजिटल रुपए की शुरुआत की। प्रायोगिक तौर पर सिर्फ सरकारी प्रतिभूतियों के थोक लेन देन में ही डिजिटल रुपए के इस्तेमाल की इजाजत देगी। गुजरात के मोरबी में केबल तारों से बने 150 साल पुराने ब्रिज के ढहने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए मामले की पहली सुनवाई आगामी 14 नवंबर को तय की है। वहीं हादसे की बात की जाए तो आज सुबह तक इस त्रासदी में मरने वालों की संख्या 135 पर पहुंच गई थी। यूपी के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पहला इम्तिहान होने जा रहा है। इस सीट पर प्रचार मंगलवार की शाम 5 बजे थम गया है। उपचुनाव में 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। भाजपा और सपा ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। क्या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर वापसी होने वाली है? ट्विटर का मालिकाना एलन मस्क के पास आने के बाद से ही यह सवाल पर बार बार उठाया जा रहा है। मस्क ने अब खुद ही इसका जवाब दिया है। हालांकि उनके जवाब के बाद भी यह सवाल जस का तस बना रहने वाला है। टेक कंपनी टेस्ला के CEO ने ट्वीट करके मजेदार अंदाज में कहा कि क्या ट्रंप इस प्लेटफॉर्म पर वापसी करने जा रहे हैं? अगर मुझे हर बार इस सवाल के बदले $1 मिला होता तो ट्विटर पैसों की खदान बन जाता। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में मंगलवार को एक इमारत में आग लग गई। आग को बुझाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि 20 लोगों को बचाया गया, 18 लोग घायल हैं जबकि 2 लोगों की जान चली गई है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, सभी की हालत अस्थिर है। हादसे में मारे गए लोगों की शिनाख्त की जा रही है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत को बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ ग्रुप 2 में अपना चौथा लीग मैच खेलना है। टीम इंडिया पहले 3 मैचों में 2 जीत और 1 हार के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने की मजबूत दावेदार बन गई है। भारत को पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन मैच काफी करीबी रहा था। भारत और बांग्लादेश के बीच मैच एडिलेड ओवल में खेला जाना है। बंधन, जुड़वा और क्रोध जैसी तमाम सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रह चुकी रंभा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इस दुर्घटना में उनकी गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उनकी बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी में रंभा के साथ साथ उनके बच्चे और उनकी नैनी भी सवार थी। रंभा की बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से ALG को चिट्ठी लिखी और मंत्री सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाया गया। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रोटेक्शन मनी के तौर पर उन्होंने मंत्री को 10 करोड़ रुपए के लिए। सुकेश ने ALG से इस मामले में जांच कराने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश से जहां 12 नवंबर को मतदान होना है वहां नई सरकार के लिए सब कुछ तय है। पारंपरिक दावेदार BJP और कांग्रेस ने पहले ही अपने राजनीतिक अभियान तेज कर दिए हैं और 68 सदस्यीय विधानसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। CM नीतीश कुमार ने मोकामा और गोपालगंज की जनता से राजद उम्मीदवार को वोट करने की अपील की है। चुनाव प्रचार में नहीं जाने को लेकर मुख्यमंत्री ने 2 वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, इस वजह से हम प्रचार में नहीं जा पाए। मुख्यमंत्री ने अपने कामों को गिनवाया और भविष्य में जो काम करेंगे उसकी चर्चा की। इस सप्ताह की शुरुआत में ही NASA ने एक मुस्कुराता हुआ सूरज की तस्वीर पोस्ट की है। यह कोई मुस्कुराता हुआ सूरज नहीं बल्कि सूरज पर मिले काले धब्बे हैं जो डराने वाले हैं। दरअसल NASA ने कहा है कि हो सकता है सूरज से धरती की ओर पड़ा बैगनी किरणों का हमला हो सकता है। गार्डियन ने spaceweather.com के हवाले से बताया कि NASA की सोलर डायनमक्सी ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य पर नजर आ रहे काले धब्बों को कोरोनल होल कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को नोटिस जारी कर 10 नवंबर तक जवाब मांगा है। अखिलेश यादव ने चुनाव में हार के बाद हर विधानसभा सीट से यादव और मुस्लिम समुदाय के 20,000 वोट काटने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही चुनाव आयोग पर भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप था।
1 नवंबर से ईंधन की कीमतों में थोड़ी राहत दी गई है। महंगाई की मार झेल रहे लोगों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती की है। बता दें कि एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 115.50 रुपए की कमी की गई है। आज यानी मंगलवार से 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 115.50 रुपए सस्ता हो गया। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में किसी तरह की फेरबदल नहीं की गई है। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और जांच जारी है। अब ऐसे घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के इंतजाम कई अन्य जगहों पर भी कड़ी की जा रही है। ओखा और बेट द्वारका के बीच चलने वाली फेरी सेवाओं में नए सुरक्षा नियम लागू किए गए हैं। द्वारका के सुदामा केबल ब्रिज को बंद कर दिया गया है। ऐसे ही देश के अन्य जगहों पर सुरक्षा के नए नियम लागू किए जा रहे हैं। दिल्ली की स्थिति और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में मंगलवार यानी 1 नवंबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। वहीं दिल्ली के नरेला में स्थित सबसे ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। बता दें कि यहां का AQI 571 दर्ज किया गया। बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 से ऊपर है, यानी कि स्थिति खतरनाक बनी हुई है। विवादास्पद राजद्रोह कानून में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि राजद्रोह कानून और इसमें परिणाम स्वरूप दर्ज किए जाने वाले मामलों पर अस्थायी रोक लगाने वाला आदेश बरकरार रहेगा। कोर्ट ने केंद्र को इस प्रावधान की समीक्षा करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के मद्देनजर सोमवार को अतिरिक्त समय दिया है। हर साल 1 नवंबर को शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है। शाकाहारी की डाइट पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा ही लोगों की पसंद आ गई है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि लोग शाकाहारी खाने के लिए अपनी रुचि बढ़ाएं और साथ ही इससे पर्यावरण को भी बहुत फायदा होता है। पर्यावरण को बचाने के लिए इस दिन के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। राजकुमार राव इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म मोनिका ओ माई डार्लिंग को लेकर काफी समय से चर्चाओं में बने हुए हैं। वह हिंदी सिनेमा के दमदार एक्टर हैं जिनकी फैन फॉलोइंग काफी जबरदस्त है। वह सोशल मीडिया के जरिए अब तक अपनी आने वाली फिल्म से जुड़ी हर जानकारी फैंस के साथ शेयर करते आए हैं और अब उनकी इस फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो गया है। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष सहित अपने 5 बागी नेताओं को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से निलंबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर एक अहम याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। इस याचिका में चुनाव आयोग को मत पत्र और ईवीएम से चुनाव चिन्ह हटाने और इस जगह पर उम्मीदवारों के नाम, उम्र, शैक्षणिक योग्यता और फोटो बदलने के निर्देश देने की मांग की गई थी। देश के जेलों में बंद कैदियों को मतदान का अधिकार देने की मांग उठी है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मुद्दे पर अब देश में बहस छिड़ गई है कि जो चुनाव लड़ सकता है वो मतदान क्यों नहीं कर सकता है। कानून के जानकारों ने इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(a) का उल्लंघन बताया। याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 62(5) की वैधता को चुनौती दी गई है। यह धारा जेल में बंद व्यक्ति को मतदान से रोकती है। हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य कृषि विभाग के आंकड़े प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आने की ओर अस्पष्ट संकेत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का मानना है कि अगले साल तक पराली जलाने की घटनाएं शून्य हो जाएंगी। इसके लिए अभी से ही वृद्धि कार्य योजना तैयार की जा चुकी है। साल 2019 में पुलवामा आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट करने वाले एक छात्र को 5 साल तक कैद की सजा दी गई है। बैंगलोर की विशेष अदालत ने मंगलवार को यह सजा सुनाई है। यहां की विशेष अदालत ने 22 वर्ष के छात्र को 5 साल की सजा सुनाई और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल उक्त छात्र ने 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले के बाद फेसबुक पोस्ट पर अपमानजनक कमेंट्स किया था। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले पहुंचे मोदी ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम में स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविंद गुरु की श्रद्धांजलि दी और इसके साथ ही मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है। मोदी मानगढ़ धाम की गौरव गाथा में शामिल हुए। जब न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का ऐलान किया गया तो उसमें शुभमन गिल का भी नाम था। गिल को पहली बार भारतीय T20 टीम में जगह दी गई है और उन्होंने एक ही दिन के बाद यानी मंगलवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शतक की पारी खेलकर इसका जश्न बेहतरीन अंदाज में मनाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में योग की कक्षाएं बंद नहीं होंगी। सीएम ने कहा कि भाजपा और उपराज्यपाल मिलकर आम आदमी पार्टी की सरकार के सभी कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। सीएम ने कहा कि दिल्ली की 2 करोड़ आबादी मिलकर योगा क्लासेस को जारी रखेंगे। IIT ISM के सबसे बड़े जियो माइनिंग फेस्ट खनन 2022 का आयोजन 3 नवम्बर से हो रहा है।
इसमें पब्लिक स्पीकिंग कॉन्टेस्ट के अंतर्गत उभरते हुए टेक्नोक्रेट एक दूसरे के खिलाफ शब्दों और ज्ञान से वाक युद्ध करते हैं। इसके उपलक्ष्य में संस्थान के गोल्डन जुबली लेक्चर थिएटर में प्री इन्वेंट का आयोजन हुआ। इसका विषय काल्पनिक देश की आंतरिक समस्याएं रखा गया। टिकटॉक और अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई वीडियो वायरल हुए जिनमें लॉकडाउन का सामना कर रहे चीन लोग देश की सख्त जीरो कोविड नीति पर अपना गुस्सा और निराशा व्यक्त करने के लिए बप्पी दा के इस गाने का उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे। बप्पी लहरी के संगीत में पिरोए और पार्वती खान की आवाज में जिमी जिमी गाना गाया गया है। चीन में इस हिट गाने को मंडारिन भाषा जी मी में गाया गया है। इसका मतलब मुझे चावल दो होता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रविशंकर, नुन्नू कुमार, ओमकार सिंह, दीपक कुमार, जितेंद्र ठाकुर, अखिलेश यादव, कंचन कुमारी और कालिंदी कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या कैदियों को भी मत देने का अधिकार होना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।